जहां एक ओर केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर्यावरण को लेकर बेहद चिंतित है व करोड़ों अरबों की कार्य योजना बना रही है, वहीं पर्यावरण व मानव समाज से दुश्मनी साध रहे इन मानव विहीन चूना भट्टों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। देखिए सारंगढ़ से संवाददाता संजय चौहान की ये खास रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला छत्तीसगढ़ के औद्योगिक नगरी रायगढ़ जिला के सबसे बड़े गोल खनिज ग्राम गुड़ेली का है, जहां वर्तमान में लगभग 50 से भी अधिक चूना भट्टों का संचालन हो रहा है। इन सभी चूना भट्टों में रोजाना आसपास गांव कस्बों से हजारों श्रमिक मजदूरी करने आते हैं, जिनमें महिला पुरुष युवतियां कार्य करते नजर आते हैं। हालांकि विभाग से अधिकांश चूना भट्टों को अनुमति दी गई है, लेकिन महज अनुमति ही नहीं, चूना भट्टा संचालन करने कुछ अनिवार्यताएं भी हैं, जिनमें कर्मियों की सुरक्षा के लिए मास्क, हैंड ग्लव्स, प्रत्येक कर्मियों का इंश्योरेंस, रोजाना उनकी उपस्थिति, नाबालिग श्रमिकों से काम नहीं लिया जाना, ऐसे बिंदुओं में चूना भट्टा का संचालन करने की अनुमति है। लेकिन यथार्थ यहाँ कुछ और बयां कर रहा है। ना तो श्रमिकों को मास्क और हैंड ग्लव्स दिए जा रहे हैं, और न ही मौके पर आकस्मिक दुर्घटना से बचाव के लिए श्रमिकों के लिए प्रथम उपचार के लिए चिकित्सा व्यवस्था की जा रही है। जब ग्लिप्स संवाददाता ने चूने भट्टे में कार्य कर रही महिला श्रमिक से पूछा, तो ये बात साफ स्पष्ट हो गई कि गरीबी की मार झेल रही महिलाएं युवतियां अपने घर के पालन पोषण के लिए बिना किसी परवाह के घातक धुएं के बीच काम करती है, जिन्हें किसी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती। महिला कर्मी के बतायानुसार चूना भट्टा में मौजूद संचालक के कर्मचारी द्वारा रजिस्टर में श्रमिकों के नाम नोट किए जाते हैं, जबकि कर्मचारी का इस पर कहना है कि कोई भी रजिस्टर उनके पास नहीं होता, जिससे श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज की जाती है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चूना भट्टा संचालक कितने लापरवाह हैं। अपनी निजी कमाई करने के लिए, जो कि साफ तौर पर विभाग के कुछ जिम्मेदारनाओं की कार्यशैली पर अनगिनत सवाल उठ रहे हैं। कितना समय हो गया आपने? तीन चार महीना। तो बीच में आप मन बीमार पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? नहीं पड़ रहा। अच्छा, जो मिलते मास्क मिलते मुंह में लगाए बर और हाथ में लगाए बर जो वो लगते, देखो हाथ में तो कुछ लगाए नहीं है, तो ओकर बर कुछ नहीं देखा आप मन के मालिक मन? नहीं कहा। अच्छा, आप मन के उपस्थिति कैसे होते? जैसे कि 7:30 बजे। 7:30 बजे तो यहाँ के मुंशी और आप मन के उपस्थिति लेते का रजिस्टर में? ना है, हमार अपन अपने वो काम ठेका में है। अच्छा, तो ठेका में है तो एक जानकारी कौन लेते कि कतक दिन अपन काम करे आया है? यानी कि मुंशी कहाँ में लेते जानकारी, यानी कि ऐसा लेते कि कहते इतना जन काम में है। हाँ। जैसे कि हम कहते 10 जन भी रहो ना है। हाँ हाँ। तो भी कहते ना काम अपना वाला साफ करके हम देबो, यानी कि ठेका है हमारे। ठेका है तो आप मन के नाम हम नोट करते कि नहीं मुंशी? हाँ, करते हैं ना। करते हैं। हाँ। काम करते हैं रजिस्टर में? करते रजिस्टर हावे यहाँ। पता नहीं आप आए कि नहीं, चलो मिल जाना था। अच्छा, अब आप मन के ये क्या बोलते हैं मजदूरी कैसे मिलते आप मन के? वही 200 रुपये एक दिन के। उंगली कट गया लगता लग रहा है, टेप लगा, उंगली कटा हुआ है। कई जी ना आप मन? अच्छा, वो आप मन के जो उंगली जो कटे हो काम में कटे है? ए हां, खाली वो नाखून के ना है, कटे नहीं है। अच्छा, नाखून है ना, ये में चिपक गए था, वो सही हो गए तो टेप लगा। अच्छा अच्छा, कटे नहीं कहीं अलग हो? हां, अभी तो पक्का जा रहे हैं का सब जन चल दिन। रोज कते जना था आप मन काम करे? हां मन 10-6, 8-6 इसने आता। और जो आते दिन पढ़े लिखे वो मन भी आते का लइका मन पढ़े लिखे थे? उमन ना पढ़े लिखे थे मन नहीं लाना। नहीं लाना, कहां के आप मन? हम यहीं के। यहीं के आप? फिर भी अनुमानित कतक जिन आठ हो दीदी आप मन? हाँ मन, यानी कि भट्टा के, यानी कि हम ठीका ले 10 आदमी के। 10 आदमी के? हाँ। अच्छा, तो तुम आप मन के मजदूरी कब, मजदूरी भुगतान कब होते? यानी कि रविवार के। रविवार को होते? हाँ। कौन करते मजदूरी भुगतान? सेठ स्वयं आते? हाँ। अच्छा, तो कैसे करते वो रजिस्टर देख के करते कि इसने? आप पता नहीं रजिस्टर देख के करते कि का देख के करते, तो मैं तो उतना नहीं जानता था। अच्छा, सूत्रों की माने तो चूना भट्टा के संचालन को लेकर पर्यावरण विभाग
स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं है। कहीं न कहीं विभागों के जिम्मेदारों के मौन समर्थन के चलते ही गुड़ेली क्षेत्र में चूना भट्टा का संचालन नियम कायदों को ताक पे रखकर किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर सारंगढ़ SDM हितेश बघेल और तहसीलदार प्रकाश साहू ने अनभिज्ञता जाहिर की है। साथ ही ग्लिप्स की जानकारी उनके जेहन में लगने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच उपरांत दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। हेलो नमस्कार सर, संजय चौहान बात कर रहा हूँ ग्लिप्स डॉट इन सारंगढ़ से। हाँ कहाँ से? ग्लिप्स डॉट इन सारंगढ़ से बात कर रहे सर, ग्लिप्स से। अच्छा कहाँ बताएंगे जी? ये सर गुड़ेली जो क्षेत्र है सर, हमारे गुड़ेली क्षेत्र के अधिकांश जहाँ पे चूने भट्टे हैं यहाँ पे संचालित हो रही है। हाँ पे जो श्रमिक है, श्रमिकों को किसी भी तरीके से कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है और वहाँ पे उनके स्वास्थ्य संबंधित कोई भी ख्याल रखा जा रहा है सर। वहाँ पे चूना भट्टा जितने भी संचालित है गुड़ेली क्षेत्र में। हाँ जी, इस संबंध में SDM जन सर से बात हुई थी 2 दिन पहले। हाँ तो उनका कहना था कि मॉनिटरिंग किया जाएगा और जो भी वहाँ दोषारों पर जो भी वहाँ पे निकलेगा दोष जिनका भी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी करके। तो अभी तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अगर दोषी कोई पाए जाते हैं या संचालक माना के हिसाब से वहाँ काम नहीं करता सर, तो किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी स्थानीय प्रशासन द्वारा? अब देखिए सर, मेरे को तो अभी तक आइडिया है ना, पहली बार है तो आप बताए मेरे को, तब से मैं चर्चा करता हूँ सर। अभी में बाहर है जी, मीटिंग में गए हैं जी का कार्य कैसे रहते हैं, मैं चर्चा करता हूँ। और इसका गुड़ेली बोले ना जी, गुड़ेली में लगभग 50 से ऊपर है सर चूना भट्टा संचालित हो रहा है। चूना भट्टा जी, चूना भट्टा है और वहाँ पे सर चूना भट्टा का जो चिमनी बना हुआ है वो मानक के हिसाब से नहीं बना है, एक पेड़ के बराबर का चूना भट्टा बना है सर। तो पेड़ के बराबर बना है, अगर उसका धुआं निकलता तो सीधी सी बात है कि जितने भी आस पास पेड़ पौधे हैं सबको प्रभावित करेगा और एक तरीके से पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण को प्रभावित करेगा तो आम जन भी उसमें प्रभावित होंगे और बीमारियां भी होंगी, प्रातः बीमारियां। अब वहाँ पे इतने धुएं के बीच में महिला श्रमिक है, पुरुष श्रमिक है और युवतियाँ काम कर रही है सर, बिना मास्क के बिना हेलमेट के। अच्छा, एक बात और भी है सर वहाँ पे कि वहाँ के जो संचालक के जो कर्मी है, जो वहाँ के कर्मचारी है, उनके द्वारा उनको पूछे जाने पर उनके पास कोई भी रजिस्टर वहाँ मौके पर उपलब्ध नहीं है, कोई संधारित नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। सर अगर कोई वहाँ पे श्रमिक काम कर रहा है, कल आकाश में कुछ घटना हो गया, दुर्घटना हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन होगा? सही बात। वहाँ पे अगर वहाँ काम करने जाता हूँ, वहाँ पे सर काम करने जाता हूँ, मेरा अगर नाम अंकित होगा, मेरा पता अंकित होगा, मेरा पूरा डिटेल जानकारी होगा, मेरा कुछ होता है तब मेरे परिजनों को बुलाया जा सकता है। बिल्कुल। या कुछ और आगे, और एक चीज और है कि वहाँ जितने लोग हैं वो लोग नियमित तौर पे काम करने वाला नहीं है, ठेके में काम करते हैं वहाँ पे। जबकि सर चूना भट्टा ही ऐसे जगहों में जहाँ पे दुर्घटना कभी भी हो सकती है। बिल्कुल। तो कम से कम लेबर कार्यालय रजिस्टर होना चाहिए और लोगों का इंश्योरेंस भी होना चाहिए। तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज मौके पर नहीं है। बिल्कुल। चलिए सर, जैसे आज आते हैं जी, साहब मैं चर्चा करता हूँ जी और निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे जैसा आदेश होगा सर का। थोड़ा चुनाव वगैरह के लिए चौहान जी हम थोड़े व्यस्त है, जी आते हैं मैं चर्चा करता हूँ। आपकी बात हो गई ना सर से? जी हाँ, मेरी बात हुई थी 2 दिन पहले, बात हुई थी उनसे। हाँ, तो वो कार्रवाई करने का आश्वासन दिए थे, तो मैंने 2 दिन बाद हुई तो मैंने आपसे लगा लू, उनका तो शायद बात हुई थी। कहाँ जी आपका क्या न्यूज बता रहा हूँ? जी। अच्छा जी सर, हाँ चलिए मैं चर्चा करता हूँ सर, है ना जी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।